हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज एनपीओ का लेक्चर नंबर 10 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एनपीओ। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सम, देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन। ऑलमोस्ट अभी आपने 10-12 सम कर ही लिया है प्रैक्टिस, वीडियो में तो 10 सम्स हो गए बट ऑफलाइन भी आपने प्रैक्टिस किया ही है। देखते क्वेश्चन क्या दिया है। गिवन बिलो इज अ बैलेंस शीट ऑफ यशुबाई महिला मंडल ऑन 1 अप्रैल 2018 एंड रिसीव्स इन पेमेंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019। आप देखो आपको क्वेश्चन दिया बैलेंस शीट बराबर है, उसके अलावा आपको क्वेश्चन दिया है रिसीव्स एंड पेमेंट एंड एडजस्टमेंट, मतलब ये कंप्लीट सम है। एनपीओ का सम ऐसे ही होता है, एक बैलेंस शीट दिया रहता है, रिसीव पेमेंट दिया रहता है, एडजस्टमेंट दिया रहता है। अगर आपको बैलेंस शीट नहीं दिया रहता, अगर आपको बैलेंस शीट नहीं, तो आप बैलेंस शीट बनाते हो, क्यों बनाते हो? टू फाइंड द कैपिटल फंड। अब तक सम किया इतना तो दिमाग में बैठ गया रहेगा आपको, बराबर है। तो हमको बैलेंस शीट बना के दिया मतलब कैपिटल फंड तो मिल ही गया। जब कैपिटल फंड मिल गया तो कैपिटल फंड कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड पे। चलिए ठीक है, लायबिलिटी साइड पे जाते हैं और लिख लेते हैं कैपिटल फंड, कैपिटल फंड कितना? 30,000। एनी डाउट इन दिस? पक्का? कैपिटल फंड मिलने के बाद क्या करोगे? कैपिटल फंड मिलने के बाद आप कॉपी पेस्ट करोगे बैलेंस शीट। आज के बैलेंस शीट में थोड़ा सा अलग चीज आप देखने वाले और कुछ एडजस्टमेंट नए आने वाले, जरा ध्यान से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरी रेंट स्टेशनरी, बराबर है जैसा दिया वैसे सेम टू सेम आप लिखोगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी, ठीक है। देखो जरा सैलरी कितना आउटस्टैंडिंग है, सैलरी 8,000, रेंट 7,000, स्टेशनरी 1,000। पहला 8,000, 7,000, 1,000, यहां तक क्लियर है? इसमें कुछ डाउट? कॉपी पेज बैलेंस शीट कर रहे, बैलेंस शीट कॉपी पेज किया। कैश इन हैंड कैश एट बैंक, इसको आप लिखोगे क्या? क्यों? क्योंकि ये सेम अमाउंट जो है आपको आपकी बैलेंस शीट में, सॉरी रिसीव एंड पेमेंट में दिख जाएगा। देखो कैश इन हैंड कैश एट बैंक दिख रहा है कि नहीं, मतलब ये दोनों चीज जो है वो आपका इधर ऑलरेडी कॉपी पेस्ट हो चुका है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। उसके बाद है फर्नीचर, कहां जाएगा? असेट साइड पे। फर्नीचर आपका असेट है, असेट साइड पे फर्नीचर कितना है? फर्नीचर 25,000 20,000। उसके बाद क्या है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड 6% इन्वेस्टमेंट। इसके नीचे जगह छोड़ देता हूं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,500, फिर 6% इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट? 6,500। जैसे ही मैंने 6% इन्वेस्टमेंट लिखा ना, आपकी दिमाग की थोड़ी सी बत्ती जलनी चाहिए। क्या सर? क्योंकि मैंने आपको फाइनल अकाउंट करते समय एक बात बताया था, किसी भी चीज के साथ परसेंटेज आता है, डेट आता है, मंथ आता है, ईयर आता है, हिडन एडजस्टमेंट होता है। 6% आ गया मतलब ये हिडन एडजस्टमेंट। बात समझ में आया? क्लियर है? पक्का? चलिए फिर पोस्टिंग तो हो गया आपका, कॉपी पेस्ट बैलेंस शीट हो गया। अब हम क्या करने वाले? रिसीव पेमेंट पे मार्किंग करेंगे और देखेंगे कौन सा चीज किधर जाएगा। जिसमें ये तो अपने को पता चल गया, व्हाट डू यू मीन बाय रिसीव? रिसीव का मतलब पैसा आ रहा है। अब जो पैसा आया है वो मेरा इनकम या तो लायबिलिटीज होगा। एंट्रेंस फीस, पैसा आया मतलब मेरे लिए क्या है? इनकम आया नहीं। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, सर ये भी इनकम है लेकिन यहां पे तीन तीन सब्सक्रिप्शन दे दिया, तो पहले तो अपने को देखना पड़ेगा अपना ईयर एंड क्या है। अपना ईयर एंड है 31 मार्च 2019, साल 19 में खत्म होगा तो चालू अप्रैल में होगा, तो जो 18-19 है ये मेरा इनकम है, यहां पे लिख लूंगा आय इनकम, बराबर। ये तो आने वाले साल का हो गया, मतलब ये रिसीव एडवांस मिल गया है और एडवांस मेरे लिए क्या बन जाएगा? लायबिलिटीज। अब बचा ये, सोचेंगे क्या करना है। तो तीन अमाउंट में दो अमाउंट का कैलकुलेशन समझ में आए, ये आपका इनकम में जाएगा और ये आपका लायबिलिटीज, इसका हम बाद में सोच लेते हैं क्योंकि ये पिछले साल का है,
तो कुछ तो रहेगा, बाकी भी की रहेगा, उसके साथ अपन एडजस्ट कर ले, बराबर। चलिए ठीक है, मिसलेनियस रिसीव्ड इनकम, एनी डाउट? पक्का डन, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है रेंट। सर रेंट तो मेरा खर्चा है, पेमेंट है मतलब एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस होगा, सैलरी एक्सपेंस होगा, फर्नीचर रिपेयरिंग एक्सपेंस होगा, ऑनरेरियम टू द सेक्रेटरी, क्या है ये जरा एक बार कोई प्रोनाउंस करेगा क्या? ए कंट्रोल, मैं जिसको बोलूंगा वो ही बोलेगा। जय क्या है ये, अरे जय को थोड़ा प्रोनाउंस करने दो, जय पढ़ना, एच ओ ओ एन ओ नो हो नो आर ए आर आई रेरी यू एम रम हो नो रे री यम बोल ओलो ले क्या इंडिया में अपन ऑनोरेरियम 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 ऑनर, व्हाट डू यू मीन बाय ऑनर, सम्मान, क्या बात है, और कुछ वर्ड, चलो रिस्पेक्ट, क्या बात है, और कुछ, इज्जत लगा मेरे को बोलेगा कुछ। ऑनोरेरियम टू द सेक्रेटरी का मतलब ये महिला मंडल था, सर कैसे पहले लाइन पे दिया था यशुबाई महिला मंडल, यशुबाई यशुबाई जो भी रहेगा बेटा बुरा मत मानो, मंडल है। अभी ये मंडल ने क्या किया, किसी सेक्रेटरी को बुलाया रहेगा, उनके एरिया की कोई सेक्रेटरी, स्टेट की कोई सेक्रेटरी बुलाया रहेगा, तो उसको सम्मान सत्कार किया, सम्मान सत्कार किया मतलब उनको बुके दिया रहेगा या कुछ काम के लिए खर्चा किया रहेगा, तो इज्जत दिया, तो वो सामान का खर्चा हुआ ना, तो उसके लिए उन्होंने वर्ड क्या यूज किया, ऑनरेरियम, ऑनरेरियम इज्जत का खर्चा, फालूदा नहीं खर्चा, बराबर है। तो यहां पे क्या हुआ, इज्जत के लिए खर्चा किया, तो खर्चा किया तो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस ही है, तो भैया कोई असेट तो हो नहीं सकते आप, एक्सपेंस, बुझे ए लड़का बुझा, जल के रहे, मिसलेनियस एक्सपेंस, एक्सपेंस बराबर, निब्बाई रहेगा तू भाई, इधर देख, मिसलेनियस रिसीव, मिसलेनियस एक्सपेंस, प्रो बन जा भाई, साथ में सॉल्व करेंगे, कुछ तो हो गया इधर, नहीं ये एक्सपोर्ट का बटन दब गया, कंट्रोल हो जाएगा, प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट कंट्रोल। चलिए यहाँ पे फिर से ध्यान दें, यहाँ पे मिसलेनियस रिसीव, मिसलेनियस एक्सपेंस, दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे, सिमिलर है, प्रो वर्जन है हम लोग, 5000 2000 खर्चा 5000, सॉरी आया 5000 गया 2000, अभी भी 3000 बचा है, मतलब रिसीप्ट में लिखेंगे, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, साथ में सॉल्व करेंगे, तो अभी इसको एक्सपेंस लिखने की जरूरत तो नहीं है, बैलेंस ये तो अपना प्रॉपर्टी है, असेट है, बुझे। चलिए बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया है, रेंट फॉर लास्ट टू मंथ्स रुपीज 5000 इज स्टिल ड्यू, एडजस्टमेंट किसके ऊपर है, रेंट के ऊपर है भैया, रेंट कहां हो, यहां हो, रेंट को मार्क करेंगे, अनडू असेट, हाँ होता है ये उम्र में, असेट बराबर है, अरे समझा, वेरी गुड। उसके बाद क्या है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेबल फॉर 31 मार्च 2022, अरे स्टेशनरी भाई साहब आपको मार्क कर दिया। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19 करंट ईयर के ऊपर एडजस्टमेंट है, इसको स्टार मार्क करेंगे। उसके बाद डेप्रिशिएट, सॉरी एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज, एंट्रेंस फीस को स्टार मार्क करेंगे। डेप्रिशिएट फर्नीचर, फर्नीचर कहीं पे भी नहीं है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपने बैलेंस शीट में ऑलरेडी फर्नीचर इनर कॉलम में लिखा है, मतलब मार्क करने की जरूरत नहीं है, बात समझा, ये पक्का डन। अब इनकम को इनकम में, एक्सपेंस को एक्सपेंस में, असेट को असेट में, लायबिलिटीज को लायबिलिटीज से पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे। पहला है एंट्रेंस फीस, कहां जाएगा एंट्रेंस फीस, इनकम साइड पे जाएगा, हाँ है नहीं, वेरी गुड। एंट्रेंस फीस क्या आ गया, अगर कैपिटल रिसीप्ट लिखा है मतलब वो लायबिलिटी साइड में कैपिटल में ऐड हो जाएगा, जैसे इसके पहले लीगल फीस के ऊपर यार लाइफ मेंबरशिप फीस के ऊपर आया कैपिटलाइज, तो आपको क्या करना है उसे कैपिटल में लिखना है, लायबिलिटीज में लिखना है। सिर्फ लाइफ मेंबरशिप फीस लिखा है तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, लाइफ मेंबरशिप फीस बाय डिफॉल्ट आपका लायबिलिटीज है, लेकिन कुछ टीचर्स लाइफ मेंबरशिप फीस को
इनकम साइड पे दिखाते तो उनको पेज नंबर 75 पे लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में क्या लिखा है पढ़ा देने का 75, ठीक है, उसमें क्लियरली मेंशन किया है लाइफ मेंबरशिप फीस इज अ कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट लायबिलिटीज होता है, ठीक है। अभी देखो पेज नंबर 75 ढूंढना चालू हो गया, देखो देखो उधर हाँ मिला मिला, देखो 75 पे लाइफ मेंबरशिप फीस है ना, सिर्फ कैसे याद रखते हैं ना। चलो अभी ध्यान दो, यहां स्टार्ट करते पोस्टिंग करने के लिए। सबसे पहला क्या है जरा देखो, सबसे पहला यहां पे आपको दिया है एंट्रेंस फीस, कहां जाएगा इनकम साइड पे कितना है 28,000, तो बाय बाय एंट्रेंस फीस केटलो छे 28,000, इनर कॉलम में लखो करण का एडजस्टमेंट छे, बराबर है कि नहीं, छे नहीं एक ही एडजस्टमेंट है। आगे बढ़ते उसके बाद क्या, आ जाए बेटा आ जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद क्या है, उसके बाद है सब्सक्रिप्शन। अब इसके बारे में सोचना होगा, बेसिक जो ना सब्सक्रिप्शन में तीन सब्सक्रिप्शन है, इसका मतलब क्या है समझते। सब्सक्रिप्शन का रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब क्या हुआ सानिया, पैसा आया मुझे इस साल 2019 में, पैसा आया 17-18 का आया, 18-19 का आया, 19-20 का आया, मतलब पिछले साल का पैसा इस साल मिला, इस साल का पैसा इस साल मिला, आने वाले साल का पैसा भी इस साल मिला, रिसीप्ट हुआ ना तीन साल का है नहीं राहुल। अब मुझे पिछले साल का पैसा इस साल क्यों मिला है, हो सकता है पिछले साल का कुछ बाकी रहेगा, मतलब वो इनकम है क्या मेरा इस साल का, नहीं वो पिछले साल का है, तो पिछले साल का हिसाब देखना पड़ेगा खोल के, तो पिछले साल का मैंने हिसाब खोला और पिछले साल का जब हिसाब खोला तो उधर मुझे बैलेंस शीट असेट साइड पे दिख रहा था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मतलब पैसा मिलने का बाकी था कितना 8,500। बट क्वेश्चन में कितना दिया है जरा देखो, तो क्वेश्चन में जो रिसिप्ट हुआ है कितना रिसिप्ट हुआ है सिर्फ 2,000, मतलब यह है कि 8,500 मिलने का बाकी था, इस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ कितना पे किया है 2,000, तो यहां पे लेस रिसीव, कितना रिसीव्ड हुआ अभी भी 6,500 आउटस्टैंडिंग है, समझा ये पक्का समझा। तो भाई हमने पोस्टिंग कर रहे थे तो पोस्टिंग करते समय सिद्धि ये तो समझ में आ गया कि ये क्या है आपका पिछले साल का था, ये क्या है करंट ईयर का इनकम है, तो करंट ईयर का इनकम है तो इनकम साइड पे जाएंगे और लिख लेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, कितना है सब्सक्रिप्शन 45,000, इनर कॉलम में क्यों, क्योंकि एडजस्टमेंट है। उसके बाद क्या है, उसके बाद 18-19 के बाद 19-20 का है, 19-20 का कितना है देखो, तो 19-20 का आपको टोटल है 3,000 और ये कहां जाएगा लायबिलिटी साइड पे, ये एडवांस रिसीव हो गया ना आपको, एडवांस हो गया मतलब आपका लायबिलिटी, तो लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, एक मिनट यहां पे आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा, वेरी गुड, यहां पे वर्ड आएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस कितना 3,000। अरे बात समझा, आउटस्टैंडिंग क्यों नहीं, क्योंकि पैसा मिला है देना बाकी नहीं है, बात समझ में आया, इसलिए हम इसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। नेक्स्ट आपके पास उसके बाद क्या दिया है जरा चेक करते भाई, हमारा ये हो गया मिसलेनियस प्रो 5 और 3 कितना हुआ, 5 और 2 कितना हुआ 3, 5,000 आया 2,000 गया, बचा कितना 3,000। अब ये 3,000 मेरे लिए क्या है, इनकम है, इनकम साइड पे इधर जगह छोड़ देता हूं बाय मिसलेनियस रिसिप्ट। सर रिसिप्ट क्यों बोल रहे हैं आप, बिकॉज पैसा बचा है ना, अगर एक्सपेंस ज्यादा होता तो मैं डेबिट साइड पे लिखता बाय मिसलेनियस एक्सपेंस, कितना रिसिप्ट हुआ देखो 3,000 का, 3,000 है ना, अरे समझाइए, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया, उसके बाद पेमेंट साइड पे है, पहला है रेंट, कितना है 25,000, बराबर। अब ये 25,000 को मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूं टू रेंट 25,000, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है बराबर। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है जरा चेक कर दे, उसके बाद आपको दिया है स्टेशनरी, एडजस्टमेंट है, हाँ सर एडजस्टमेंट है, जगह छोड़ देता हूं टू स्टेशनरी, टू स्टेशनरी
कितना है स्टेशनरी का अमाउंट 3000। इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है आपको सैलरीज, कितना दिया है सैलरी 22000, हाँ या नहीं। चलिए तो टू सैलरी 22000। सर एडजस्टमेंट नहीं है, आप इनर कॉलम में लिख रहे हो, बताता हूं क्यों, बढ़ता हूं आगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको दिया है फर्नीचर का रिपेयर, कहां जाएगा एक्सपेंस साइड पे, चलिए ठीक है, टू फर्नीचर रिपेयर कितना है 1800। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको दिया है मिस सॉरी ऑनरेरियम टू द सेक्रेटरी, क्या है एक्सपेंस है टू ऑनरेरियम, कितना है 16000। उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है आपको मिसलेनियस, सॉल्व कर दिया बैलेंस कैश इन एंड कैश एट बैंक, इधर जाएगा असेट साइड पे, कैश इन हैंड कैश एट 8200 और 16000। एनी डाउट इन दिस, बेसिक था ये, बट अब एडजस्टमेंट थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, ध्यान दें। एडजस्टमेंट पहला एडजस्टमेंट है, रेंट फॉर द लास्ट टू मंथ रुपीज 5000 इज स्टिल ड्यू, स्टिल ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, बराबर है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस बराबर है ना, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस। सर कुछ तो गड़बड़ है, क्या है जरा ध्यान दे, हुआ ये, मैं एक भाड़े के घर में रह रहा हूं, बराबर है, उसको मैं भाड़ा देता हूं, टाइम टू टाइम भाड़ा देता हूं, ठीक है, मैंने उसे, मेरा साल है अप्रैल में चालू होता है, मार्च में खत्म होता है, मैं हिसाब किताब करने वाला आदमी, अप्रैल से मार्च मेरा हिसाब किताब चलता है, मैंने उसे अप्रैल का एक महीने का रेंट नहीं दिया, मार्च का रेंट नहीं दिया, अप्रैल का मार्च का रेंट नहीं दिया, मेरा साल तो खत्म हो गया, मैं आ गया नए साल में अप्रैल में, बराबर है, क्लियर है, मार्च का रेंट बाकी है, मैंने उसको बोला देता अगले महीने में देता हूं, जो ओनर था उसे बोला ठीक है सर आपकी मर्जी दे देना, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आया, मतलब अप्रैल में गया और अप्रैल में इसको 25000 रुपया रेंट दिया, कितना दिया, मैं जैसे रेंट देने गया इसने मेरे को पहला सवाल किया, पिछले महीने का कब, कोई भी करेगा यही पूछेगा कि नहीं, मैंने पेमेंट किया कितना 25000, जैसे ही पेमेंट किया इसने मुझे सवाल किया सर आपका कुछ बाकी है, सर पिछले महीने का रेंट बाकी है, मेरा एक काम करो इसमें एडजस्ट कर लो, हाँ सर मैं इसमें एडजस्ट तो कर लूंगी लेकिन फिर आपका इस महीने का बाकी रह जाएगा, हाँ या नहीं, अरे समझा, वेरी गुड, जरा ध्यान देते, यहां मैंने रेंट का 25000 रुपए का पेमेंट किया इस साल, किया है ना, लेकिन ओनर के पास गया तो ओनर ने बोला सर पिछले बार का 7000 बाकी है, आउटस्टैंडिंग रेंट 7000, तो उसने क्या बोला, मैंने क्या बोला इसमें से माइनस कर ले बाबा, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना 7000, सर आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस होता है, सबर जरा ध्यान देना यहां पे, ये जो आउटस्टैंडिंग वो कभी का है, पिछले साल का है, समझ में आया, तो मैंने 7000 इधर से निकाल दिया और इधर लिख दिया लेस पेड ऑफ 7000, ये भाई साहब हो गए नील, क्लियर है, समझाइए। अब आते हैं अपने एडजस्टमेंट की तरफ, क्या बोला एडजस्टमेंट में, रेंट फॉर द लास्ट टू मंथ रुपीज 5000 इज स्टिल ड्यू, मतलब ये है कि जब मैं इसे 25000 का पेमेंट किया मैंने, इसे बोला सर पिछले बार का बाकी था वो तो दो, मैंने क्या किया पिछले बार का माइनस कर दिया, 25000 में से 7000 पिछला निकाल दिया, अब जो भी अमाउंट है उसमें सर इसमें तो अभी दो महीने का बाकी रह रहा है 5000 रुपए, अरे ठीक है देता हूं, मतलब आउटस्टैंडिंग है और आउटस्टैंडिंग एड एंड प्रीपेड लेस होता है, तो एड आउटस्टैंडिंग रेंट कितना बाकी है, अरे बात समझा, हाँ या नहीं, इस साल कितना बाकी है 5000, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस ही होता है, तो एड कितना पे करने का बाकी है 5000 पे करने का बाकी है, डेबिट साइड पे एड किया, डेबिट दूसरा इफेक्ट देता हो क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग रेंट 5000,
चलिए फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं, विवेक जरा ध्यान दे, क्या हुआ? आयुष, आयुष नहीं अंकुश, 25,000 का खर्चा किया मैंने, सर आपको कैसे मालूम 25,000 का खर्चा? अरे पेमेंट पे बोला उसने, क्या दिया पेमेंट पे? 25,000 का रेंट पे किया, बराबर है? रेंट कितना पे किया? 25,000 मैंने रेंट कितना दिया? 25,000। किस साल दिया? इस साल दिया ना, 2019 में दिया ना मैंने, बराबर है? लेकिन 2018 का रेंट बाकी था, अप्रैल 2018, ये पिछले साल का जो बाकी वो ओपनिंग में दिख रहा है ना, रेंट कितना बाकी है? बाकी है ना, अरे बराबर बराबर, मैंने 25,000 का पेमेंट किया, कितना पे किया? 25,000 पे किया। इसे बोला सर ये 25,000 तो दिया आपने, बराबर है, पिछले महीने का कब दोगे? मुझे तो ध्यान में ही नहीं था, तो मैंने क्या बोला, इसमें से एडजस्ट कर लो, इसमें से 25,000 क्या होएगा? माइनस होगा ना, हाया नहीं, क्या 25,000 में से 7,000 माइनस होगा ना भाई, 7,000 25,000 में से 7,000 माइनस किया, बराबर है? और ये माइनस किया तो ये कुछ आउटस्टैंडिंग है क्या? अभी क्लियर हो गया, अब जो भी बचा है वो उसके पास ही है, उतना पेमेंट तो किया मैंने, अब कितना बचा है? मैंने हिसाब किया नहीं भाई, 25 में से 7 किया, कितना बचा? 18,000 बचा है, बराबर है? 18,000 बचा है, तो एडजस्टमेंट क्या दे दिया कि जो भी तुम्हारा रेंट है उसमें अभी भी 2 महीने का बाकी है, बाकी है मतलब आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग ऐड एंड प्रीपेड लेस होता है, तो भैया ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000 डेबिट साइड पे ऐड किया, डेबिट दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, बाकी है मतलब पे करने का, एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटीज, अंडरस्टूड? सेम वे इसके बाद वाला एडजस्टमेंट भी है, सेम टू सेम, स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेबल फॉर 31 मार्च 2019 वेर रुपीज 450। मैंने स्टेशनरी का खर्चा किया, कितना किया स्टेशनरी खर्चा? मैंने 3,000 का खर्चा किया, जिस शॉप से मैं रेगुलर सामान खरीदता था राहुल, उधर जाके मैंने 3,000 का खर्चा कर दिया भाई, ये सामान चाहिए। सामने वाले बोला सर पिछले बाल का आपका 1,000 रुपये बाकी है ना सर, मैंने क्या किया, ठीक है 3,000 में से एडजस्ट कर लो, मतलब लेस आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर कितना? 1,000, इधर से निकाल दिया और इसे पेड कर दिया, लेस पेड ऑफ 1,000 रुपए, ये भाई साहब तो नील हो गए, एनी डाउट? पक्का समझा? अब जो भी पैसा है वो इस साल का ही है, बट एडजस्टमेंट ने क्या लिया, अभी भी 450 रुपया आउटस्टैंडिंग है, तो हम क्या करेंगे, एड आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी कितना? 450। अरे हाँ डेबिट साइड पे ऐड किया, डेबिट मानसी दूसरा इफेक्ट देने का है, क्रेडिट कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड पे। आउटस्टैंडिंग क्या है ये स्टेशनरी कितना है? लॉजिक समझा? एनी डाउट इन दिस? पक्का 100% क्लियर? 100%। तो इधर आपको एक पॉइंट समझ में आना चाहिए, अगर आपके बैलेंस शीट में कोई भी आउटस्टैंडिंग चीज दिया है, प्रीपेड चीज दिया है, तो आपको करंट ईयर में उसका एडजस्टमेंट सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग पिछले साल का है, पिछले साल बाकी था तो इस साल उसका पेमेंट तो हुआ रहेगा, पिछले साल प्रीपेड हुआ है मतलब वो इस साल के लिए हुआ रहेगा, जैसे यहां पे एडवांस दे दिया था सब्सक्रिप्शन, कौन से साल का दिया है? 19-20। जब मैं 19-20 में जाऊंगा तो ऑलरेडी मेरे पास एडवांस है, तो ये एडवांस को मेरे को एडजस्ट कर एडवांस को एडजस्ट करना पड़ेगा, हाया नहीं? अरे समझा? पक्का? तो ये लॉजिक दिमाग में बिठाओ कि जब आपको बैलेंस शीट में कोई भी खर्चा पेंडिंग दिख रहा है या एडवांस दिख रहा है, तो उसका एडजस्टमेंट आपके रिसीव पेमेंट में होने वाला है, ये जो रिसीप्ट या जो पेमेंट हुआ उसके साथ होगा। जैसे रेंट को भी एडजस्ट करके दिखाया, स्टेशनरी को एडजस्ट करके दिखाया, वैसे ही सैलरी को भी करने वाले, इसलिए मैंने सैलरी को भी इनर कॉलम में लिखा था, क्योंकि हमारा पिछले बार का सैलरी आउटस्टैंडिंग है, समझा? इसने बोला ही नहीं कुछ, बट अपने को समझ में आना चाहिए कि जो भी तुमने सैलरी इस साल पे किया है, इसे पिछले साल वाले का भी तो पे करोगे ना, तो पिछले साल कितना आउटस्टैंडिंग था, तो हम इसे पे करेंगे, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर कितना? 8,000 यहां से निकाल दिया और इसे हमने पे कर दिया, कितना? समझा? ये इसलिए सैलरी इनर कॉलम में लिखा गया था। लॉजिक डन? पक्का?
चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट की तरफ, देखते हैं एडजस्टमेंट क्या दिया है। स्टेशनरी हो गया, सॉरी रेंट हो गया, स्टेशन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये तो सिंपल है, आउटस्टैंडिंग ऐड और प्रीपेड लेस होता है तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना आउटस्टैंडिंग बोला है? 3000। क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना? 3000। लॉजिक डन, सिंपल था, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं था इसलिए फटाफट कर दी। नेक्स्ट, उसके बाद फेवरेट एडजस्टमेंट मेरा है एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। क्या करना है, क्या करना है, जोश कहां है, उसमें से निकालो कैपिटल में डालो, उसमें से निकालो, अरे उसमें से निकालो, किसमें से निकालो, एंट्रेंस फीस से निकालो कैपिटल में डाल दो। निकालो बोले तो माइनस लेस कैपिटलाइज, कितना कितना पूरा, कुछ नहीं बोला है मतलब पूरा जाएगा, 28000 यहां से निकलेगा कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ऐड क्या है ये, एंट्रेंस फीस कितना 20। एनी डाउट इन दिस, पक्का क्लियर, फेवरेट एडजस्टमेंट सबको आता ही रहेगा। डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम, वेरी सिंपल, डेप्रिसिएशन मतलब असेट का वैल्यू कम करना है तो भैया लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% 2000 है नहीं, इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, एक्सपेंस साइड पे, तो भैया आ जाते एक्सपेंस साइड पे 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2000। डन विथ ऑल द एडजस्टमेंट, बोलूंगा नहीं अभी भी एक एडजस्टमेंट बाकी है, इन्वेस्टमेंट। मैंने ये इन्वेस्टमेंट कौन से तारीख को किया है सर, कहीं भी दिया नहीं है, लेकिन 1 अप्रैल तो दिया है ना, मतलब 1 अप्रैल से मेरे पास तो है ही है, बराबर है, और ये इन्वेस्टमेंट मुझे 31 मार्च को भी दिख रहा है, मतलब एक साल से तो मैं इसे इन्वेस्ट करके रखा हूं, अब एक साल से इन्वेस्ट करके रखा है तो उसमें मुझे क्या मिलेगा, ब्याज इंटरेस्ट मिलेगा, कितना परसेंट, 6%, तो 6500 का 6% कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो कैलकुलेट करते, 6500 का 1% कैलकुलेट करो, 65 × 6 कर दो, बराबर है, हाँ नहीं दिख रहा मेरे को मालूम है, समझ गया तुम लोगों को 9 नहीं दिख रहा है, बराबर है, यहां पे आएगा 390 करके देख लो, 6 × 5 = 30, 6 × 36, 360 × 30, 390, अरे बराबर है, समझा ना, चलिए फिर ठीक है, तो भाई इंटरेस्ट आ गया, ऐड होगा इसके अंदर, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3, क्योंकि मिला ही नहीं ना, उसने बोला कहीं पे, हमने अज्यूम किया ना भाई इंटरेस्ट मिलने का बाकी है, एक साल से पैसा लगा के रखा है, तो ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डेबिट साइड पे ऐड किया, डेबिट अपने को ब्याज मिलने वाला है तो अपने लिए इनकम है, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना 390, तो असेट में आया ना, चलिए ठीक है, यहां तक डन, अब बसता है क्लोजिंग, आज ये आपके ऊपर छोड़ने वाला हूं क्लोजिंग करना, कैसे, तो पहले सबको आउटर कॉलम में ले लोगे, सब आउटर कॉलम में प्रॉफिट यानी कि सरप्लस या डेफिसिट, सरप्लस आया तो इसमें ऐड होगा, डेफिसिट आया तो इसमें माइनस होगा, क्लियर है, पक्का, फटाफट कंप्लीट करो, होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।